सो क्लास नेक्स्ट हमारे पास पोएम द लिसनर। सो अब क्लास लिसनर से मुराद अब जो हमारा है जो पोइट है वो एक ट्रैवलर है, और ये ट्रैवलर क्या कर रहा है, ये किसी जगह पे गया और वहाँ पे जाके नॉक कर रहा है और अपने हॉर्स के साथ ये वहाँ पे मौजूद है। सो वहाँ से कोई गेट नहीं खुलता और वहाँ पे बड़े ही ज़्यादा लोनलीनेस का आलम है। सो ये क्लास इस पोएम का ओवरव्यू है। सो जब अगर हम इसके ग्लॉसरी के वर्ड देखें तो आप देख सकते हैं टू चैम्प मीन ये वर्ड यूज़ होता है टू च्यू, जो हॉर्स च्यूइंग करता है, जो ग्रास खा रहा होता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फर्नी। सो ये एक वेजिटेबल जब जहाँ से बहुत ज़्यादा कवर्ड होंगी, मैंने आपके लिए फ़ोटो की हुई है। सो आप देख सकते हैं ये इसको हम फर्नी की सिचुएशन कहेंगे। और लास्ट पे है टू स्मिट। सो इससे मुराद टू स्मैक, टू हिट, किसी चीज़ को ज़ोर से मारना, इस कॉल्ड टू स्मिट। और अब हमारे पास नेक्स्ट आ गए हैं हमारे पास लुकिंग क्लोजली इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सो ओपनिंग लाइन के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे पोइट है उसने ओपनिंग लाइन में क्या कहा है। सो उसने ओपनिंग लाइन में बताया है कि जो पोइट है, जो हमारा ट्रैवलर है, ही इज़ ट्राइंग टू गेट एन आंसर, और वो किसी घर पे जाके दस्तक दे रहा है और वहाँ से आंसर किसी के आने की उम्मीद कर रहा है। सेकंड वर्ड आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है टूरेट। टूरेट से मुराद क्या है, किसी भी गांव देहात या किसी कंट्री साइड के अंदर इस तरह के घर वगैरह बने होते हैं। सो ये घर कह लें ये टावर से होते हैं। सो ये दूर चीज़ देखने के लिए होता है। सो टूरेट से मुराद हमारा ये है। और लास्ट पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू नो, कि हम कैसे जानते हैं कि ये एक लोनली जगह है, क्वाइट प्लेस है। सो वो बताता है वी नो इट, इट इज़ लोनली क्वाइट प्लेस बिकॉज ट्रैवलर जो होता है उसको कोई किसी से कहीं से कोई भी रिप्लाई मिलता ही नहीं है। सो क्लास ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर इस